चलिए फिनिश्ड आपका कॉन्सेप्ट। ये क्या मेरी वसीयत पे ऑटोग्राफ लेने आया? ये आपकी वसीयत नहीं, ये मेरा फ्रस्ट्रेशन है। ये आप ही का कॉन्सेप्ट है जिसे आपने मुझ पे स्क्रिप्ट लिखवाया। बहुत पुराना है यार। पुराना कहाँ है, नया है, सफेद है, कड़क है। अरे मैं पेपर के नहीं आपके कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। पुराना क्या है, कुछ भी नहीं है, कितने सालों से यही चलता आ रहा है। अरे हीरोइन भाग के गले मिलते तो मिलने दे, गाने बजते तो बजने दे, आजकल तो सेंसर की प्रॉब्लम भी नहीं है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ सर, हम कुछ हटके ट्राई नहीं कर सकते हैं, कुछ अलग, कुछ नया। हटके क्या है, कुछ भी नहीं है। देख मैं तुझे फिल्में बनाने का फॉर्मूला समझा था। यहाँ से हम लोगों ने हॉलीवुड का रोमांस ली, अब वहां से जापानी फिल्म की हम लोगों ने कहानी ली, अब परायों से इतना ले रहे हैं तो अपनों को छोड़ेंगे कैसे? छोड़ेंगे पकने दे। अब मैं इसमें कॉमेडी डाल रहा हूं, ये कॉमेडी, ये कॉमेडी, ये कॉमेडी। एनीवे देखिए सर, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, मेरा अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, मेरा दिल टूटा हुआ है, मैं आपकी कॉमेडी फिल्म नहीं लिख सकता हूँ। तो दिल टूटा है ना, पेन कहाँ टूटा है? मैं तुझे आईडिया देता हूँ, एक विलन वहां से चल के यहां आके और एग्रीमेंट पे साइन करने के लिए कहता है सामने वाली पार्टी तैयार नहीं। क्या डाला तुमने उसकी ग्लास में? हाँ क्या डाला ग्लास में? रुको, ये तो उस आदमी ने इसे मारा है, मैंने अपने आंखों से देखा, उसने इसके ग्लास में जहर डाला था। तो क्या करें, निकले? ऐसी सिचुएशन में सब एक ही काम करते हैं, सीआईडी को बुलाते हैं। यस सर, सर मैंने ही फोन किया था। मिस्टर यूडी। यस। आपके और अरमान जी के सामने मारा है? मुझे पता नहीं, इन्होंने देखा है, इन्होंने देखा। इन्होंने? मिस्टर यूडी हमने सुना है कि आप कहानी वगैरह भी लिखते हैं। जी सही सुना आपने, मैं कहानियां लिखता हूँ लेकिन आइडियाज ये देते हैं। ये वाला मिला नहीं था। क्या हुआ? नहीं कचरा। सीयूडी आपने इस आदमी का खून होते हुए देखा? जी उस लड़के ने इनके जूस में कुछ मिलाया था। ये लैपटॉप? उसी का है, छोड़ के भाग गया। भागते चोर की लंगोटी छोड़ गया। मतलब चोर निकल लिया, लंगोटी छोड़ गया। इसमें तो कुछ भी नहीं, खाली। कमाल है, हिम्मत तो देखो उसकी, इतने लोगों के सामने जूस में जहर मिला के मार डाला इसे और फिर यहाँ से भाग भी गया। सर मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो, अरे राइटर पेन पकड़ सकते हैं, मुजरिम नहीं। छोड़िए हम लोग निकले। हाँ आप लोग जा सकते हैं मगर जरूरत पड़ी तो आप दोनों को फिर मिलना पड़ेगा। मेरी तो नहीं पड़ेगी, शायद इनकी पड़ जाए। राइटर है, लिख के देगा। कर ली सर, हम लोग यूडी जी का फोन नंबर और एड्रेस लेके आते हैं। अरमान जी, अरमान जी, अरमान जी, आप तो रियल लाइफ में भी स्टार है। थैंक यू। मैं आपका बहुत बड़ा दीवाना हूँ। वो तो आपकी एज से नजर आ रहा है। मैं बचपन से आपकी फिल्में देखते आ रहा हूँ। तो फिल्में डिस्कस कीजिए ना, ये क्यों डिस्कस करना है? कितने बढ़िया डांस करते हैं आप। थैंक यू सो मच। देखिए यहाँ पे कोई मर गया है और आपको इनके डांस की पड़ी हुई है। अब अरमान जी ये कौन है? इन्होंने मेरी फिल्म लिखी है, ये यूडी है। ओह फिल्म आपने लिखी है जी। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे
फिल्मों में गाने वाने डाले हैं कि नहीं? Of course. मुझे बहुत सारे गाने चाहिए। सर का डांस हमें बहुत पसंद है सर। हाँ अरमान जी, अगर आपको क्राइम फिल्म में किसी जाबाज पुलिस ऑफिसर की जरूरत पड़ेगी ना तो मुझे बुला लेना, मुझे अच्छा डांस करना भी आता है। दिखाओ दिखाओ। जो, 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 जो देखा ना वो काफी है। हम निकले। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? अरमान जी वैसे आप यहाँ क्यों आए थे? हम लोग की फिल्म हैप्पी एंडिंग के प्रमोशन के लिए आए थे जो कि 21 नवंबर को रिलीज हो रही है। सुपर हिट फिल्म है, कॉमेडी है, धमाल है, बेमिसाल है। अपने परिवार के साथ देखना जरूर। जरूर देखूंगा मैं, अपनी वाइफ को साथ में लेके जाऊंगा और स्क्रीन के सामने डांस भी करूंगा। आप CID है ना? हाँ, आपको कोई शक है क्या? नहीं, हमारी तरफ से आप सबको शुक्रिया, आपकी वजह से हम सब सेफ हैं। वो तो है। निकले चले। अरे एक सेकंड, जरा बताइए ना कि अगली बार आपसे कब मिलेंगे? 21 नवंबर को अपनी नजदीकी थिएटर में। आपका फोन नंबर और एड्रेस चाहिए था। दिस इज माय कॉल। बेस्ट लक फॉर योर फिल्म। थैंक यू सो मच। बेस्ट लक सर। थैंक यू सो मच। कर लिए। ये आदमी यहाँ होटल में ठहरा था या कहीं बाहर से आया? नहीं सर, ये हमारे होटल के गेस्ट नहीं है, कहीं बाहर से आया था। ये जो लड़का भागा है उसका चेहरा तो देखा होगा ना आपने? हाँ सर देखा है। उसका स्केच बनवाइए जरा। ओके सर। और ये पार्किंग टिकट है, मतलब किसी गाड़ी से आया था। देखो जरा। जी सर। इस पे जो गाड़ी का नंबर लिखा हुआ है ना, जी देखो गाड़ी कहाँ पे है। जी सर। फ्रीडी, वॉचमैन से पता करो जो आदमी यहाँ से भागा था वो यहाँ से बाहर गया कैसे। यस सर। मिस्टर प्रतीक को तुम लाए थे? जी सर। कहाँ से आया था वो? होटल क्राउन रूट से, खार में है साहब। वो कहीं बाहर से आकर वहां रुके थे सर। वॉचमैन ने बताया कि वो लड़का आया तो स्कूटर से था, मगर जाते समय बाउंड्री वॉल कूद के भाग गया। तब तो स्कूटर अभी भी यहीं पे होगा। दे, तुम CCTV फुटेज चेक कर लो, तब तक मैं होटल क्राउन रोड चेक कर लेता हूँ जहाँ पे प्रतीक ठहरा हुआ था। ठीक है। देखिए, हम लोग CID से, आपके ये गेस्ट मिस्टर प्रतीक, इनका किसी ने जहर दे के खून कर दिया है। हे भगवान। मैडम, हमें आपके इस गेस्ट के बारे में वो सारी जानकारी चाहिए जो आप लोगों के पास है। सर, मिस्टर प्रतीक दिल्ली के रहने वाले हैं और यहाँ बिजनेस के सिलसिले में वो हमेशा आते जाते रहते हैं, और वो जब भी आते हैं हमारे होटल में रुकते हैं। हमें मिस्टर प्रतीक का कमरा दिखाइए। कमरा चेक कर लो जरा। बीमारी है सर, ऐसा लग रहा है प्रतीक जी पूरे एक साल का कपड़ा पैक करके आते थे। बैग तो खाली है। खाली बैग और बैग तो भारी है।
पैसे छुपा के रखा है ये प्रतीक आदमी तो गड़बड़ है। कौन कौन आता था इससे मिलने के लिए? एक लड़की इनसे हमेशा मिलने के लिए आती थी और ये दोनों घंटों बैठकर बातें किया करते थे। प्रतीक जी तो उसे डांटा भी करते थे और वो लड़की कल भी इनसे मिलने के लिए आई थी। कौन है वो लड़की? सर अवंतिका। अवंतिका? सर सर वो स्कूटर काफी देर से वहीं पर है। हाँ श्रेया, ये स्कूटर खूनी का हो सकता है। बजा जरा इस फुटेज को और पीछे से प्ले करना। सर यही वो आदमी। जरा पास करो। सर ये तो वही आदमी है। हाँ श्रेया, स्कूटर का नंबर लेकर आरटीओ से पता करो ये स्कूटर किसके नाम से रजिस्टर्ड है और उसका एड्रेस है क्या। तो आप दोनों साथ में रहते हो और वो यहाँ काम करता है? यस सर, यही काम करता है केतन। हेलो सर, वेलकम। मैम हम लोग सीआईडी से और एक जांच के सिलसिले में यहाँ आए हैं। ये आदमी केतन यहाँ पे वेटर है ना? हाँ सर, ये तो केतन ही है। इस केतन ने एक आदमी को जहर देके मार डाला और अब फरार है, इसी की तलाश में हम लोग यहाँ पर आए हैं। लेकिन सर ये तो काम छोड़कर जा चुका है यहाँ से। पर केतन किसी का खून नहीं कर सकता। एक मिनट, वो कुछ दिन पहले काम छोड़ चुका है? हाँ मैम, ये एक दिन ड्यूटी के बीच में से ही चला गया था और फिर लौटकर आज तक नहीं आया। कहाँ चला गया? सर एक लड़की थी, मतलब शायद है, उसके साथ गया था वो। कौन लड़की? सर एक कस्टमर थी हमारी, करीब एक महीने पहले से उसने हमारे कॉफी शॉप में आना शुरू किया था। वो रोज आती थी। और उस कोने वाली टेबल पर जाकर बैठ जाती थी। उस टेबल पर केतन सर्विस देता। सर केतन ने उसका नाम भी बताया था हमको। क्या नाम बताया था लड़की का? सर अवंतिका। अवंतिका? श्रेया यही नाम था ना उस लड़की का भी जो एक दो दिन पहले प्रतीक से मिली थी? हाँ सर। फिर क्या हुआ? लेकिन अजीब बात यह थी कि वो लड़की एक दिन आदमी से मिलती थी और दूसरे दिन एक औरत से। दोनों से अलग अलग घंटों बातें करती थी मगर कभी भी दोनों से एक साथ नहीं मिली वो। उन तीनों ने अचानक ही आना बंद कर दिया। अवंतिका की राह देखते देखते केतन निराश हो गया। किसी काम में उसका मन ही नहीं लगता। केतन, what's wrong with you? तुम्हें हो क्या गया अचानक? तुम ना ही तो पहले की तरह सर्विस देते हो और ना ही ऑर्डर ठीक से लेते हो, और तो और तुम उस टेबल पर लोगों को बैठने से मना क्यों करते हो? सॉरी मैम। देखो सॉरी वॉरी यहाँ नहीं चलेगा। तुम्हें काम करना है तो ठीक से करो वरना छुट्टी लो। यार अपने दिमाग से उसका ख्याल निकाल यार। अवंतिका ने वो टेबल खरीद नहीं लिया है, ना ही हमेशा के लिए रिजर्व किया है। यार एक कस्टमर थी, अब नहीं है। बस 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 नहीं यार, मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ। उसने कुछ बताया भी नहीं और अचानक से गायब हो गई। और सर तभी कैफे के बाहर कोई आया और केतन उसे देख के तुरंत बाहर चला गया। क्या क्या हालत क्या बना रखी है तुमने? शायद वो अवंतिका ही थी, शॉल से अपना चेहरा छुपाए हुए, और केतन सब कुछ छोड़कर उसके पीछे भाग गया।
अच्छा उस आदमी और औरत के बारे में आप लोग कुछ बता सकते हैं जो अवंतिका से मिलने आते थे? नहीं सर, उनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। देखिए, हमें इस कॉफी शॉप के अंदर की बाहर की सारी सीसीटीवी फुटेज चाहिए जब से अवंतिका यहाँ आती थी। श्योर मैम, मैं अरेंज करवाती हूँ। आरोप साहब, क्या क्या बात कर रहे हैं सर आप? पर ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है सर, मैं इसी हिसाब से बात करता हूं। अरे आप ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? हमारी जांच गलत दिशा में चल रही है। बिल्कुल गलत दिशा में चल रही है। आप लोगों का मानना है कि प्रतीक ने जूस पिया और मर गया? हाँ? Well, जो देखा गया और जो सुना गया वो पूरा सच नहीं है। प्रतीक ने जो जूस पिया था उसका केमिकल टेस्ट करने के बाद हमें ये पता चला कि उसमें कोई जहर नहीं था बल्कि एक ड्रग था। ड्रग? लेकिन प्रतीक ने जूस पिया और जूस पीते ही मर गया ना वो? यही तो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है अभिजीत। इस ड्रग की वजह से किसी इंसान को कुछ वक्त के लिए पैरालिसिस तो हो सकता है, उसे लकवा तो मार सकता है, लेकिन कोई मर नहीं सकता है। तो फिर इसकी मौत हुई कैसे? अभिजीत, प्रतीक का खून प्रतीक के खून नहीं किया। लो, फिर शुरू हो गए पहली पे पहली। अरे साफ साफ बताइए ना सर। साफ साफ बताता हूँ, आओ मेरे साथ। ये देखो, ये प्रतीक की ब्लड सेल्स और ये एक नॉर्मल इंसान के ब्लड सेल्स, दोनों में फर्क है। और फर्क ये है कि प्रतीक को थैलेसीमिया है। थैलेसीमिया, जो हीमोग्लोबिन की गड़बड़ी से होता है। बिल्कुल अभिजीत। और ऐसे रोगियों को जिंदगी भर किसी स्वस्थ इंसान के खून की जरूरत पड़ती है, और हाल ही में किए गए ऐसे किसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन ने प्रतीक की जान दी। तो मतलब हाल ही में जो प्रतीक को खून दिया गया था उस खून में गड़बड़ी थी। बिल्कुल, और इस खून में टॉक्सिन्स मिलाए गए थे, मतलब इस खून को जानबूझकर जहरीला बनाया गया था जिससे इसकी मौत हो गई। प्रतीक के मरने की शुरुआत तो कुछ दिन पहले ही हो चुकी थी। केतन उसके जूस में कुछ डालता या नहीं डालता, इसकी मौत तो पक्की थी। पर इसका मतलब खूनी केतन नहीं, कोई और है। हाँ, लेकिन केतन ने भी तो इसे पैरालाइज करने की कोशिश की थी। अब ये कौन है जिसने इसकी बीमारी का फायदा उठाया और इसकी जान ले ली? एक आदमी और दो दो दुश्मन। हाँ जी, मुझे एक महीने के सारे कॉल रिकॉर्ड डिटेल्स चाहिए, और खास करके 24 घंटे के। केतन का फोन आखिरी बार जामवार में ट्रेस हुआ था सर। जामवार? तो ये केतन मुंबई से बाहर निकल चुका है। हाँ सर, और सर उसके कॉल रिकॉर्ड सर ये देखिए। सबसे पहले उसने अपने कॉफी शॉप वाले दोस्त ऋषभ को फोन किया, उसके बाद अवंतिका को, मगर अवंतिका का फोन ऑफ आ रहा था। और फिर सर उसने महाराष्ट्र के जामवर में किसी मनन को फोन किया। मनन? अभिजीत, मतलब इस केतन को जामवर से उठाना पड़ेगा, वही बताएगा अवंतिका कहाँ छुप कर बैठी है। और फिर ये भी पता लगाना चाहिए इन दोनों का क्या संबंध है उस कॉफी शॉप वाले औरत और आदमी के साथ। सर अवंतिका का तो पता नहीं, लेकिन हम उस आदमी और उस औरत तक पहुंच सकते हैं जिनसे वो कॉफी शॉप में अलग अलग मिलती थी। ये देखिए सर। ये लोग तो काफी अमीर दिखते हैं सर, फिर भी यहाँ आने के लिए अपनी कार की बजाय टैक्सी का इस्तेमाल किया है। वही तो अभिजीत, एक टैक्सी के नंबर प्लेट से उनके ड्राइवर्स का पता चल जाएगा, और ये ड्राइवर्स हमें बताएंगे इस अमीर आदमी और औरत के बारे में। क्या गलती की साहब, मुझे क्यों बुलाया है? देखो, तुम लोगों से कोई गलती वलती नहीं हुई, कोई भी गलती नहीं हुई, बस हम सिर्फ कुछ जानना चाहते हैं। ये देखो, ये औरत और ये आदमी,
क्या इन लोगों को तुमने कभी देखा है? तुम जानते हो इन्हें? ये दोनों भी पिछले महीने कुछ दिनों तक ग्रैंड मोटर्स होटल में आते जाते रहते थे। ये आदमी, इसे तो मैं जानता हूं। ये तो एक बार मेरे टैक्सी में बैठा था। कौन है ये? कहां से बैठा था तुम्हारे टैक्सी में? कौन है ये साहब, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन पिछले महीने जुहू सर्कल पे एक कॉलोनी से इसे मैंने उठाया था सुबह सुबह। इसके पास 1000 रुपया था साहब। मेरा भाड़ा 390 रुपया था। मैंने इसे 600 रुपया वापिस कर दिया। लेकिन ये 20 मिनट तक 10 रुपए के लिए बकबक करता रहा। फिर बाद में मैंने साहब इससे 10 रुपया लेके उसको दिया था। हाँ सर, याद है। अभी तक इसने 10 रुपए दिए भी नहीं मुझे। कुछ बता सकते हो ये रूम में कहाँ रहता है? ये तो मालूम नहीं है साहब, लेकिन जाते जाते इसने कहा था कि मेरा तो इधर रोज का आना जाना है। अगर ऐसे ही मैं 10-10 रुपए डेली छोड़ता जाऊं तब तो महीने का 300 रुपया हो जाएगा। पैसे वाला आदमी था साहब, लेकिन 10 रुपया के लिए बहुत चिकचिक किया साहब, बहुत चिकचिक किया एकदम। ठीक है, चलो हमारे साथ। कहां पे? हाँ जी सर, यहीं से मैंने उठाया था उसको और होटल से लाने के बाद यहीं पर छोड़ा भी था मैंने। यहाँ पे? जी। यहीं आसपास कहीं रहता होगा? आसपास चेक करो, पूछो लोगों से। अरे भाई साहब, जरा देखना है इस आदमी को, पहचानते हैं क्या आप? अरे साहब, अभी हमें 5 गाड़ियां और धोना है, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। अरे यार, थोड़ा टाइम निकालो ना काम से, लोगों की मदद भी किया करो भाई। ठीक है साहब, लाइए दिखाइए फोटो। ये देख। अरे ये तो अपने निरंजन साहब हैं। निरंजन साहब? हाँ साहब, ये यही तो रहते हैं, वो सामने वाले दूसरे बंगले में, बंगला नंबर 707। और हाँ साहब, इनकी तीनों गाड़ियां रोजाना मैं ही धोता हूँ। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। 707 ना? जी हाँ, 707। थैंक यू। मेरे पति देव मुझे बीच मांझधार में छोड़ के चले गए। आखिरी बार में उनको देखना मेरे नसीब में नहीं रहा। श्रुति जी, आपके साथ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, इस बात का दुख है हमें, लेकिन आपसे कुछ जानकारी चाहिए थी। जी पूछिए। प्रीति जी, हमें आपके पति के सूटकेस में छुपा कर रखे गए 15 लाख रुपए मिले हैं। आपको कुछ पता है इन पैसों के बारे में? उन्होंने ये पैसे क्यों छुपा के रखे? मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, कोई बात नहीं, हम पता लगा लेंगे। क्या हम उनका कमरा देख सकते हैं? जी उधर। अच्छा सरस्वती जी, आप इन दोनों में से किसी को पहचानती हैं? जी नहीं। ये प्रतीक ऐसा क्या काम करता था कि अलग अलग अकाउंट से इतने सारे पैसे आए हैं? सीटी, ये देखिए। ब
बच्चों की तस्वीरें, पैसों के आंकड़े। प्रतीक करता क्या था? सचिन एक काम करो, ये सब मुंबई भेज दो ब्यूरो में। श्रुति जी, आपसे एक और सवाल करनी थी। क्या आपको ये बात मालूम थी कि आपके पति को थैलेसीमिया नाम की बीमारी थी? जी हाँ। और इस बीमारी के पेशेंट को कुछ दिनों में अपना खून बदलना पड़ता है, तो आखिरी बार आपके पति ने कौन से हॉस्पिटल में अपना खून बदला था? यही दिल्ली में सिटी हॉस्पिटल। सिटी हॉस्पिटल। मिस्टर निरंजन, आप ये पूछें कि हम लोग कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं, तो आपको बता दें कि हम लोग सीआईडी से हैं और आपसे कुछ पूछताछ करने आए हैं। सीआईडी? लेकिन मुझसे क्या जाना है आपको? कौन है निरंजन? विशाखा, ये लोग सीआईडी से हैं और लगता है हमारे बारे में काफी कुछ जानते हैं। जी हाँ, और अब ये जानना चाहते हैं कि ग्रैंड मोटर्स के कॉफी शॉप में आप दोनों अवंतिका से मिलने अलग अलग जाते थे और यहाँ एक साथ दिख रहे हैं, क्या मज रहा है? माफ कीजिएगा सर, लेकिन हम बाहर किसी से अलग अलग मिल लिए तो उसमें ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया कि सीआईडी हमारे घर तक पहुंच गई? किसी से नहीं, अवंतिका से। हमें शक है कि दिल्ली के एक बिजनेसमैन मिस्टर प्रतीक के खून में उसका हाथ है। नहीं नहीं, अवंतिका कभी ऐसा नहीं कर सकती। बहुत विश्वास है आपको अवंतिका पे? आखिर वो हमारी बेटी है। आप दोनों पति पत्नी हैं? जी, वो दरअसल मेरी और निरंजन की अनबन होने के बाद हम दोनों अलग रहने लगे थे, तो अवंतिका हमें साथ लाने के लिए ही कॉफी शॉप में लेके आती थी। अभी कहाँ है अवंतिका? जी, वो घर पर ही है, लेकिन आप लोगों की कुछ मदद नहीं कर सकती। हमें अवंतिका से मिलना है, आइए। क्या हुआ इसे? सीढ़ियों से गिर गई थी, सिर में चोट लगी है, तब से कोमा में है। डॉक्टर्स ने कहा है कि कुछ महीनों में इसे होश आ जाएगा, इसीलिए इसे हम घर ले आए और घर से ही सारा ट्रीटमेंट चला रहे हैं। नर्स मिशा इसकी देखभाल के लिए पूरे दिन घर पर ही रहती है। मिशा, कैसी हालत है अवंतिका की? सर, अभी तो कुछ कह ही नहीं सकते कि इन्हें कब होश आएगा। अब तो अवंतिका में सिर्फ जान बची है, मगर शरीर और दिमाग पूरी तरह नाकाम है। अब इस केतन को ढूंढना ही पड़ेगा। सुनिए जी, ये मरन कहां पे? वो वहां पे। ये मनन। हाँ जी, आप कौन? जरा केतन को बुलाओ, उसे मिलना है। कौन केतन? यहाँ कोई केतन नहीं रहता। देखो, केतन ने तुम्हें आखिरी फोन किया था, इसलिए तुम्हारे तक पहुंचे। अब अगर झूठ बोलोगे तो तुम्हें भी साथ में ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? वहीं जहाँ बिगड़े हुए लोग ठीक किए जाते हैं, मुजरिमों की मरम्मत की जाती है। अगर केतन यहाँ पे निकला तो उसको छुपाने के गुनाह में तुम्हारी भी मरम्मत हो जाएगी, समझे तुम? नहीं नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए। वो अंदर छुपा है, उसके चक्कर में मैं नहीं फंसना चाहता। यहाँ तो सब बंद है, यहाँ से भागना तो नामुमकिन है। आ जाओ। अवंतिका को बहुत बुरी तरह मारा था प्रतीक ने, उनसे उसका दुख देखा नहीं गया, इसलिए उसकी मदद करने का फैसला कर लिया साहब, और नौकरी की परवाह किए बिना उसके साथ निकल गया साहब।
देखो केतन, मुझे पता है कि तुम मुझे बहुत पसंद करते हो, पर इस वक्त मैं बहुत अकेले हूँ और सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। प्लीज मना मत करना। प्लीज आप रोइए मत, मुझे बताइए क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए। एक आदमी है प्रतीक, मुझे उसके चंगुल से बचा लो, वरना तुम इस अवंतिका को हमेशा के लिए खो दोगे। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। ये रहे मेरे पापा के जायदाद के कागजात, इसे प्रतीक को दे देना और इसे भी। सर प्रतीक जूस पीते नीचे गिर पड़ा तो मुझे लगा अवंतिका ने मेरे हाथों से जहर दिलवाकर मरवा दिया साहब। मैं डर के वहां से भाग गया साहब। उसके बाद अवंतिका ने कभी मेरा फोन नहीं उठाया साहब, ना ही मुझे कभी फोन किया। अवंतिका ने धोखा दिया साहब मुझे। सर ये प्रतीक आखिर अवंतिका से चाहता क्या था? ये तो तय है कि दोनों के संबंध ठीक नहीं थे, लेकिन असली कहानी क्या है ये तो अवंतिका के होश में आने के बाद ही पता चलेगा। ओ प्रतीक भैया वो मर जाएंगे, उसे बचा लीजिए, डॉक्टर को बुलाइए प्लीज प्लीज। चले मेरा भाई। प्रतीक भैया देखिए, वो इस हॉस्पिटल में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आते थे, उन्हें डायलिसिस की बीमारी है। हाँ हाँ प्रतीक कैसा है वो? अब तक तो बिल्कुल ठीक थे, अचानक चक्कर आ रहा है उनको और पता नहीं कुछ और क्या हो रहा है भैया, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। प्लीज डॉक्टर बुलाइए ना, उसी डॉक्टर को जिसने इलाज किया उसका। अच्छा 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 रुकिए मैं बुलाती हूँ। प्लीज डॉक्टर। प्रतीक ने इन बच्चों की फोटो काफी संभाल के रखी थी। सर प्रतीक ने ऐसा किया क्यों होगा? कुछ तो खास है इन बच्चों में, वरना इतने सारे बच्चों की फोटो है छुपा के नहीं रखता वो। सर 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 वो पेशेंट प्रतीक, उसके रिश्तेदार आए हैं, उसकी तबीयत खराब है, वो आपसे फिर से इलाज कराना चाहते हैं। सर इन सारे बच्चों के बारे में बहुत ही खास बात पता चली है। वो क्या? सर ये सारे बच्चे 1997 और 2001 के बीच गायब हो गए थे। जी कहाँ है प्रतीक? मैंने उसका इलाज किया था। अरे डॉक्टर साहब, आपने मेरे भैया प्रतीक का ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया था। जी अरे डॉक्टर साहब मरीज है कहाँ? तो तूने मारा प्रतीक को? कौन है आप लोग? सीआईडी। अब फटाफट बकना शुरू कर, वरना है। बताता हूँ। मेरे पास एक आदमी का फोन आया था, उसने मुझसे कहा प्रतीक को जहर मिला हुआ खून देना है जिससे वो मर जाए, इसलिए मैं। शर्म नहीं आती तुम्हें? एक डॉक्टर होके तुमने मरीज का खून किया। सॉरी वो गलती हो गई, उस आदमी ने कहा था कि मिशा नाम की औरत आएगी और इस काम के बदले अच्छा खासा रकम देगी, तो मैं लालच में आ गया। मिशा। नर्स मिशा इसकी देखभाल के लिए पूरे दिन घर पर ही रहती है। ओह नो, ये मिशा अभी अवंतिका की देखभाल कर रही है। चलो We'll be right back.
तो ये है तुम्हारा असली रूप। एक ऐसी लड़की को मारना चाहती हो जो बेचारी कोमा में है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं तो बस विटामिन का इंजेक्शन दे रही थी। विटामिन का इंजेक्शन है? आप भी काफी कमजोर दिख रही हैं। इनको लगा दो विटामिन का इंजेक्शन। निखिल जरा हेल्प करो। सीआईडी इतनी रात को मेरे घर में? अरे ये देखिए ना, ये मिशा आपकी बेटी अवंतिका को जहर का इंजेक्शन लगा के मारना चाहती है। आपकी बेटी अवंतिका? आपकी बेटी? सही कह रहा हूं ना मैं? क्या क्या मतलब है आपका? थैंक यू वेरी मच। सही, ये तो कंफर्म हो गया। प्रतीक के घर से मिले डीवीडी में जो अमीर लोगों के नाम मिले थे वो खोए हुए बच्चों के पेरेंट्स ही हैं सर। और ये जो नाम के आगे करोड़ों के आंकड़े लिखे हैं ये उनके संपत्ति के डिटेल्स हैं। तो फिर अभिजीत, ये प्रतीक इस लिस्ट को लेकर क्या कर रहा है? पूरी काम करो, पेरेंट्स की लिस्ट में से किसी भी एक पेरेंट को फोन लगा अभी। सर, हेलो मिस्टर कुमार। हाँ जी, मैं सीआईडी से बोल रही हूँ, हमें आपसे कुछ बात करनी है। सीआईडी से? कहिए क्या बात करनी है आपको? मिस्टर कुमार, मैं इंस्पेक्टर अभिजीत सीआईडी से, हम आपके खोए हुए बेटे सोहम के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं जो दिसंबर 1998 में गायब हुआ था जब वो 7 साल का था। माफ कीजिएगा, हम आपके पुराने घावों को ताजा कर रहे हैं, पर क्या उसके बाद से सोहम के बारे में आपको कुछ पता चला? कोई चीज, कोई बातचीत? पता नहीं आप लोग ये क्यों पूछ रहे हैं, मगर 3 महीने पहले एक लड़का सोहम होने का दावा कर रहा था, पर वो जालसाज निकला, मेरे 6 करोड़ लेके भाग गया। माय गॉड। मिस्टर कुमार, आप परेशान मत होइए, हम इसकी जांच करेंगे और आपसे जल्दी कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। कहीं अवंतिका भी ऐसे कैरेक्टर तो नहीं? हो सकता है। हमें सब कुछ पता चल चुका है निरंजन जी, जिन अमीर परिवारों के बच्चे बचपन में खो जाते थे ये प्रतीक अपने आदमी वहां भेजता था उनके खोए हुए बच्चे बना के ताकि पैसे कमा सके। उसके घर से हमें आपका नाम मिला है। आपकी बेटी अवंतिका 9 साल की उम्र में खो गई थी, उसके बाद कभी नहीं मिली। ठीक कह रहा हूं मैं? हाँ, मुझे शुरू से मालूम था कि ये लड़की मेरी अवंतिका नहीं बल्कि रीता है, लेकिन इसे झुठलाने का कोई सबूत नहीं मिल रहा था मुझे। एक दिन मैंने इसका पीछा किया, जब सच्चाई सामने आई तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। पागल हो गई हो तुम? ये हमारा बिजनेस है रीता, हम उन अमीर लोगों को लूटते हैं जिनके बच्चे उनसे काफी पहले बिछड़ चुके हैं। कुछ देर के लिए नकली सही, लेकिन उनको उनका बच्चा तो मिल जाता है ना, और हमें उनकी दौलत। प्रतीक जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे अब और ये नाटक नहीं होगा। कैसे नहीं हो सकता? 55 करोड़ रुपए का प्लान है, इस तरह अगर तुम बीच में छोड़ के चली गई तो अरे किए कराए तो पानी फिर जाएगा। समझने की कोशिश कीजिए प्रतीक जी, उस निरंजन को मुझ पर शक हो गया है, और इस तरह कब तक मैं उनकी बीवी विशाखा को बेवकूफ बनाती रहूंगी? अगर उस निरंजन ने डीएनए टेस्ट करवा दिया तो मैं तो सीधा जेल में चली जाऊंगी। कुछ नहीं होगा, तुम बस निरंजन से पैसे निकलवाना शुरू तो करो। जैसे ही तुम सारे पैसे मेरे हवाले कर दोगी वैसे ही मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। प्रतीक जी, मैं फंस जाऊंगी। मेरे अगले ट्रिप तक अगर तुमने मुझे 15 लाख रुपए निरंजन से लाकर नहीं दिए ना, तो इस बार भी तुम मेरे हाथों बहुत बुरी तरह मार खाओगे, समझे तुम? मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया था प्रतीक और रश्रीता ने, मुझे लूट कर बर्बाद करना चाहते थे। मैंने इस ईशा की मदद से दिल्ली के उस डॉक्टर को खरीदा और प्रतीक को जहरीला खून चढ़वा दिया।
और इस अवंतिका को खुद सीढ़ियों से धक्का दिया। वो मरी तो नहीं लेकिन कोमा में चली गई। आपके साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन आप कानून की मदद लेने के बजाय खुद मुजरिम बन गए। अब आपको और इस मिशा को जेल जाना होगा, अपने गुनाहों की सजा भुगतने। Enjoy more case files content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon.